सरकारी स्कूल है वहाँ टॉयलेट की सुविधा नहीं है। अभी भी सरकारी स्कूलों में गर्ल्स स्कूल की स्टूडेंट को मैं देखती हूँ कि खुले में मैदान में जाती हैं वहाँ के, और कहते हैं सारे सरकार की वहाँ पे सब कुछ है ठीक है, पर ऐसा नहीं है। पानी का सप्लाई नहीं है, पानी का टंकी ठीक नहीं है, जिसके कारण उनको बहुत कष्ट होता है। महिला है, महिलाओं के लिए क्या खास है आपको? देखिए मैं महिला हूँ तो सबसे पहले मैं सुरक्षा और उनको, चूंकि अभी महिलाओं में 12 साल के बाद पीरियड्स भी आने लगते हैं तो उसके लिए खून की भारत माता की जय भारत जय बिहार, जय सम्राट अशोक, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर, जय यहाँ के पेट के टीम देवता। विदा लेता हूँ साथियों, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। HBHW News हर भारतवासी का अपना चैनल, आपका अपना चैनल। हम समझते हैं आपके दिल के हर दर्द को, हर एहसास को, अपने परिवार और स्वयं को सशक्त बनाने और हमसे जुड़ने के लिए इस चैनल को करें सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक। युवा विचार मंच के प्रखर विचारों से सराबोर हुई कैमूर की धरती, लगे जय भारत जय बिहार और रुद्र प्रताप कुशवाहा जिंदाबाद के नारे। युवाओं के हक के लिए व बेरोजगारी के खिलाफ हमेशा ही अपनी आवाज बुलंद करने वाले युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा ने युवा अधिकार यात्रा की शुरुआत कैमूर की धरती से की। सोमवार 28 नवंबर को युवा विचार मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्र प्रताप कुशवाहा के साथ ही उनका काफिला पटना से कैमूर जिले के रामगढ़ पहुंचा, जहां बीच बीच में उनके प्रशंसकों के द्वारा भरपूर स्वागत भी किया गया। काफिले में धीरे धीरे काफी संख्या में लोग जुड़ते चले जा रहे थे और अपना समर्थन दे रहे थे। जनता आम लोग जगह जगह पर रुद्र प्रताप कुशवाहा से अपनी बातों को रख रही थी। कुछ ऐसा ही नजारा पर सतवा, मोनिया व रामगढ़ के क्षेत्र में देखने को मिला, जहां पर बड़ी संख्या में लोगों ने उनसे मुलाकात की और अपनी बातों को रखा। जब रुद्र प्रताप कुशवाहा का काफिला रामगढ़ के ऊपरी गांव में पहुंचा तो लोग माला लेकर दौड़ पड़े, जहां पर इंडिया के संविधान के प्रणेता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण बड़े ही जोशीले अंदाज में किया गया। जनता को संबोधित करते हुए श्री कुशवाहा ने हाथ फैलाते हुए लोगों से समर्थन मांगा, कहा कि मैं वोट मांगने नहीं आया हूँ, आप अपना समर्थन दीजिए कि मैं युवाओं के हक के लिए लड़ सकूं। इस मौके पर महिला मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनामिका जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष मेहताब आलम, राहुल कुशवाहा व अन्य युवा विचार मंच के कार्यकर्ता मौजूद रहे। युवा विचार मंच की अनामिका जायसवाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला मोर्चा ने बड़े ही स्पष्ट और प्रखर शब्दों में कहा कि ये लड़ाई उस हर भारतीय की है जो बेरोजगारी और अवसर के अभाव में घुट घुट कर जीने को विवश हो रही है, और ऐसा है तो आजादी का ये अमृत महोत्सव किन के लिए है। देश और प्रदेश में अधिकारीगण अमृत महोत्सव का लुत्फ उठाने में लगे हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ देश की आम जनता आवश्यक संसाधनों एवं सामान्य विधि व्यवस्था के लिए भी तरस रही है और दर बदर भटक रही है। देश में ये कैसी विडंबना है कि कर्मचारियों के लिए रिटायरमेंट की आयु है और अब उन्हें पेंशन भी नहीं है, वहीं दूसरी तरफ सत्ता में बैठने वाले लोगों के लिए आयु का कोई भी निर्धारण नहीं है, साथ ही पेंशन की मलाईदार व्यवस्था भी है। जब एक नागरिक एक वोट का प्रावधान है तो फिर इन नियमों में इतनी धोखाधड़ी क्यों? अगर पेंशन से देश की अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ता है तो इन माननीयों के पेंशन के बोझ से भी देश को मुक्त किया जाना चाहिए। अब हम सबको मिलकर इन माननीयों के पेंशन से मुक्त भारत बनाने की दिशा में प्रयत्न करना है, ताकि देश में समानता का अधिकार लागू, बिहार में सम्मान के साथ बिहारों को वापसी हो, यही हमारा आत्मसम्मान होगा। हमारा जो है पसीना का कमाई होगा, 2 रुपया का नमक रोटी उसी में खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे लेकिन जिंदगी साथ में बिताएंगे। दिल्ली हम कमाने नहीं जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने 17 साल
लालू जी आपको 18 साल दिया, बिहार का बेरोजगारी खत्म किए। नीतीश जी आपको बात आ रहा है कि हम काम करने वाले आदमी हैं, 18 साल आप ही सत्ता में रहे, क्या आप रोजगार किए? भाजपा का डबल इंजन फेल हो गया, क्या रोजगार मिला? 2 करोड़ नहीं मिला। अग्निवीर लोग बनने जा रहा है, तैयारी करा रहा है भाजपा। हम चाह रहे हैं कि अगर ये बिहार में रोजगार नहीं देता है, एकदम फ्रेश चेहरा जिसके घर का कोई प्रतिनिधि पार्लियामेंट और असेंबली में नहीं पहुंचा है, वैसे लोगों को चुन करके बिहार का लोग भेजे। और जैसे हमारा युवा अग्निवीर बन रहा है, इन तमाम पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को भी अग्निवीर बना दे। हमें आप लोग से कहने आए नहीं तो हमको रोजगार दे। अब 5-20 लाख करोड़ जब कोरोना के नाम पर हुआ तो 5 लाख तो भाई आपको देना पड़ेगा, और नहीं देता है तो मार्केट में आता है तो आप लोग पूछिए, खदेड़िए। 2 करोड़ कहाँ गया? 20 लाख कहाँ गया? 50 लाख कहाँ गया? चुनाव के बाद नहीं, चुनाव के पहले चाहिए, हम बहुत लौटा है। बस अच्छा लगा यहाँ आके और हिम्मत मिली, और एक ही लाइन में हम बात करना चाहेंगे, कहीं से सीखे थे कि जिंदगी जीने के 2 तरीके होते हैं, या तो जो चल रहा है उसको चलने दीजिए, देखते रहिए आपको लूट रहा है, खसोट रहा है, कुछ कर रहा है, आंख बंद करके सहते जाइए, या फिर आवाज उठाइए उसको बदलने की। तो हम और रुद्र प्रताप भैया हम लोग सब एक टीम बनाए हैं और उसको बदलना चाहते हैं, और बदलने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए। आज जो भी थे भाई बंधु यहाँ, जो भी थे, उन लोग को देख के और जोश हम लोग में आया है, और यहाँ से इंशाल्लाह और अच्छी लड़ाई करेंगे। अभी कैमूर की धरती पर आप लोगों को गलतफहमी है, यहाँ जो है हमारा गढ़ है, हम आए थे यहाँ के तमाम लोगों से मिलने, आशीर्वाद लेने। अभी तो एक जो है टेस्ट एग्जाम हुआ था, अगले बार जब आप आइएगा पटना से चल के, तो यहाँ पे कम से कम 50,000 का क्रांतिकारियों का जो भीड़ रहेगा, और हम उस दिन रियल रूप में युवा अधिकार आंदोलन के लिए आएंगे। हमारा आंदोलन जो है नीतीश जी के गढ़ से होने जा रहा है, नीतीश जी के बाद भाजपा के अध्यक्ष संजय जायसवाल जी क्या होगा, उसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी के गढ़ में होगा। नेता लोग सिर्फ आते हैं, भाषण देते हैं और चले जाते हैं। नेता जी लोग का कहना है कि हम रोजगार देंगे। मेरे पापा के समय से, यानी अभी जो 60 पर आ गए हैं, उन्हें भी कहा गया था मतलब रोजगार देंगे, पर वो बूढ़े हो गए। जो 18 साल के थे 2006 में, जो नीतीश जी बोले कि हम देंगे टीटी, आप उसके बाद लॉन्च आया टीटी 2012 में आया, और 12 में मतलब जो ग्रेजुएट है बीएड उन्हें भी जॉब दिया गया, उन्हें प्रायोरिटी दी गई, और जो बीएड नहीं थे उन्हें जॉब ही कुछ को दी गई, कुछ को नहीं दी गई, एग्जाम सबने पास किया। तो ये अनियमितता नीतीश जी आज तक उसको क्लियर नहीं कर पाए। 62 में कहते हैं रिटायरमेंट हो गया, आप घर जाइए आराम करिए, उसी तरह पॉलिटिक्स में रिटायरमेंट क्यों नहीं है? क्यों बूढ़े लोगों को ही दे दिया जाता है सत्ता संभालो, क्यों जवान को नहीं दिया जाता, उसमें एज क्यों नहीं है? रेप होता है, हर दिन होता है, हर अखबार में, अगर पूरे बिहार का, अगर हर प्रकाशन का, हर जगह का देखा जाए तो एक दिन में कम मुझे तो लगता है 10 से 20 रेप केस तो रहते हैं पूरे ऑल ओवर बिहार में, और इंडिया में कहें तो उससे ज्यादा। तो रेप पे क्या कर रहे हैं? कोई भी है, सब आंख से अंधे कान से बहरे हो जाते हैं, उनको चीखने ही सुनाई देता है। तो मतलब समाज की नहीं, सारी कुरीतियों को बदलने की। हाँ, महिलाओं के साथ तो सबसे ज्यादा उत्पीड़न है ना, हर चीज में कट ऑफ, और सब कुछ बेच दे रहे हैं प्राइवेट, क्यों कर रहे हैं प्राइवेट? आज से 30 साल के बाद जब हम लोग 60 साल के होंगे, हम लोग के सारे एज के लोग, तो उनके पास तो पेंशन रहेगा नहीं, तो उस बूढ़े लोग को कौन करेगा? उनके बच्चे कहेंगे अच्छा भाई बूढ़ा मर जाए या बुढ़ी मर जाए, कौन सेवा करेगा? अगर जो पुरानी पेंशन नीति है तो आज बूढ़े लोगों को जिंदा रखा जा रहा है। अरे उनके परिवार में अगर प्यार नहीं भी है तो कम से कम ये तो कहते हैं ना कि ये मुझे पेंशन तो आ रही है, तेल मालिश हो रही है बूढ़े बुढ़ियों का, तो अभी क्यों नहीं हो रही है? और उसके बाद क्या होगा? तो आप वर्तमान आने वाला भविष्य नहीं देख रहे हैं। आप कहते हैं कि भारत गुलाम हुआ, क्यों हुआ? लालच की वजह से।
और अभी फिर गुलाम हो जाएगा अगर सब कुछ इसी तरह बेचते हुए खाएंगे तो। महिला है, महिलाओं के लिए क्या खास है आपके? देखिए मैं महिला हूँ तो सबसे पहले मैं सुरक्षा, गर्ल्स स्कूल है वहाँ टॉयलेट की सुविधा नहीं है। अभी भी सरकारी स्कूलों में गर्ल्स स्कूल की स्टूडेंट को मैं देखती हूँ कि खुले में मैदान में जाती हैं वहाँ के, और कहते हैं सारे सरकार की वहाँ पे सब कुछ है ठीक है, पर ऐसा नहीं है। पानी का सप्लाई नहीं है, पानी का टंकी ठीक नहीं है, जिसके कारण उनको बहुत कष्ट होता है। और उनको चूंकि अभी महिलाओं में 12 साल के बाद पीरियड्स भी आने लगते हैं, तो उसके लिए खून की कमी, उनमें जागरूकता, ये सब कुछ भी नहीं है। जो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय या विभाग बिहार सरकार से भी और केंद्र से मंत्रालय से भी उनके तरफ महिलाओं को जागरूक करना चाहिए, चाहे देश हो, राज्य हो या किसी भी क्षेत्र का हो। एक बार आप लोगों से आग्रह करूंगा कि भारत माता का नारा लगा दीजिए फिर दोबारा, कि कम से कम यहाँ से जाए तो गूंज जो है आपके बगल के थाने में पहुंच जाए, और हो सकता है कि वहाँ के विधायक और पांच बात के भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय भारत, जय बिहार, जय सम्राट अशोक, जय बाबा भीमराव अम्बेडकर, जय यहाँ के कोट के डी देवता। विदा लेता हूँ साथियों, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। ये सोचकर निराश, नकारात्मक और कुंठित मत हो जाओ कि इस देश ने हमारे और तुम्हारे लिए क्या किया, बल्कि जिस भारत के कतरे कतरे को लाखों करोड़ों शहीदों के लहू और तपस्वियों के त्याग बलिदान से सिंचित किया, इस महान राष्ट्र के लिए हमने और आपने क्या किया? हमारी आपकी लड़ाई और नाराजगी इस देश से तो हो ही नहीं सकती, बल्कि ये देश की व्यवस्था में बैठे तीनों स्तंभों के उन निकम्मे सुखभोगी और तुच्छ स्वार्थी लोगों से है जो अपना पूरा जीवन श्रेष्ठता के भ्रम में ही गुजार कर नष्ट कर रहे हैं। हम हैं आपके दिल की धड़कन और यह है आपका अपना चैनल। हमसे जुड़ने के लिए हमें करें सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक।